बढ़ते ही आगे बात करेंगे अब अगली खबर की। एक के बाद एक विवादित बयानों का सिलसिला थम नहीं रहा है। कई बयानवीरों के बयानों के बवाल अभी थमे भी नहीं थे कि कासगंज में समाजवादी पेंशन योजना का शुभारंभ करने पहुंचे मंत्री पारसनाथ यादव के भी बोल बिगड़ गए। पैरिस में हुए आतंकवादी हमले पर बोलते हुए मंत्री पारसनाथ यादव ने कहा कि पेट को रोटी चाहिए, रोटी का इंतजाम नहीं होगा तो आतंकवाद, नक्सलवाद और अपराध बढ़ेगा ही। ऐसे में ये व्यवस्था करने वालों का फर्ज है कि हरेक के लिए रोटी की व्यवस्था की जाए। यही लोग समाज के सबसे बड़े दोषी हैं और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पेट को रोटी चाहिए, रोटी का इंतजाम जब नहीं होगा तो आतंकवाद, नक्सलवाद, अपराध बढ़ेगा। पेट को रोटी चाहिए, रोटी का इंतजाम जब नहीं होगा तो आतंकवाद, नक्सलवाद, अपराध बढ़ेगा।